लेकिन एक चीज़ नोट करिए कि आपको अगर यहाँ पे क्रॉस करना हो ना रोड साइड पूरे वैनकोर में या ब्रिटिश कोलंबिया में पूरा वो है, तो आपको मतलब वो जो बटन है ना वो प्रेस करना ही पड़ेगा, अगर नहीं किया ना तो वो नहीं होगा। जबकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वाटरलू किचनर, तो वहाँ पे अपने आप हो जाता है कि जहाँ पे भी समझो पेडिस्ट्रियन को अगर चलना है तो वो चल सकते हैं कभी भी, मतलब वो टाइमर अपने आप शुरू हो जाता है। तो पता नहीं यहाँ पे क्या सीन है, दबाना ही पड़ता है। मैंने दो तीन बार भाई मैं मिस हो गया, मैं वेट करूँ कि हो नहीं रहा लेकिन वो हो ही नहीं रहा था, बिकॉज कि प्रेस नहीं किया था। जब मैंने प्रेस किया तब जाके हुआ, तो पता नहीं क्या है यहाँ। एक तो यहाँ पे इतना बहुत गाड़ियाँ है, मतलब पूरे वैनकूवर नॉर्थ में इधर शायद हम डाउनटाउन के पास रह रहे इसके लिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि पूरा मतलब बहुत ही ट्रैफिक रहता है, वो तो ट्रैफिक वाला है। तो मतलब यहाँ पे तो ऑटोमेटिक होना चाहिए कि भाई जैसे ही आप दबाओ, मतलब अब बिना दबाए चालू हो जाना चाहिए, तो अगर किसी को पता ना हो तो उसको प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ ना हो। चलो कोई नहीं, का हाल देखो भाई, गाड़ी है बीच में खड़ी है, ट्रैफिक का हाल है ये। वैसे तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो अपने नॉर्थ वैनकूवर से यहाँ पे आ गया हूँ सीधा। अभी एक यहाँ पे स्टैनली पार्क है, वो भी एक वन ऑफ द टूरिस्ट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे मोस्टली विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन है स्टैनली पार्क। तो अभी वहीं पे जा रहा हूँ, पहले कॉफ़ी पी लेता हूँ, ये एनर्जी आ जाए बाद में तो निकल गया। यहाँ पर बाइक रेंटल बहुत है, मतलब साइकिल, मतलब बाइक बोलते हैं तो वो बाइसिकल रेंटल्स के बहुत है, पता नहीं कितने में देखते हैं प्राइस, देखते हो सामने की साइड तो देखते हैं कितना प्राइस होता है, और फिर अगर सस्ता पड़ा तो ले लेंगे चलाएंगे। तो बाइक रेंटल आप कर सकते हो, ये ऐसी शॉप्स होगी बाइक रेंटल की, और ऐसी बहुत सारी शॉप्स है एक लाइन में यहाँ पे, तो आप यहाँ पर रेंट कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाइक रेंटल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, $5 से लेके $15-20 तक, डिपेंडिंग कि बाइक कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मिनिमम 15 मिनट्स जैसा कुछ है, तो 15 मिनट्स आपको मिनिमम लेना पड़ेगा, मतलब 15 मिनट से सीधा 1 आवर चार्ज करता है आपको। और फिर एवरी अगर आप 1 घंटे के ऊपर जाते हो देन वो लोग आपको $5 पर 15 मिनट्स चार्ज करेंगे ऐसा कुछ था। तो आप पूछ रहे हो कि उसका ड्रॉप पिकअप और ड्रॉप लोकेशन क्या है, वो आप उसको पूछ ले सकते हो। तो ये बेसिकली स्टैनली पार्क है जो यहाँ का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। अभी यहाँ पे एक पार्टी चल रही है, अभी तो किसी भी तो कोई तो पार्टी चल रही है। अभी मेरी फिटनेस ऐप में देखा तो कम से कम मैं उसमें दिखा रहा है कि मैं 11 किलोमीटर चल चुका हूँ, उसमें से आधा दिन तो मेरा फोन मेरे हाथ में था, मैं वीडियो बना रहा था और साथ साथ में मैं फोटोज़ खींच रहा था और बस देखना और ये सब देखने में ले, तो समझो मैं 3-5 किलोमीटर ज़्यादा ही चलाऊँगा, तो ऑलमोस्ट वो डबल हो गया है मेरा, समझ लो। कल भी नहीं था, कल भी मैंने ऐप में दिखा रहा कि 15 किलोमीटर किया, लेकिन उससे ज़्यादा ही किया होगा। तो चलना तो मतलब यहाँ पर बहुत हो जाता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी है यहाँ पर करने के लिए, तो
एक ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास डॉग्स भी हैं यहाँ पे, पैट्स जो रखते हैं वो लोग पैट। यहाँ पे ऐसी बाइक्स भी मिलती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये इलेक्ट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी बाइक भी मिलती है, ये इलेक्ट्रिक नहीं है, ये सिंपल आपको रन करना पड़ेगा। अभी इसमें क्या चीज़ है कि इसमें अगर आप आवरली लेते हो तो आपको 25 सेंट्स पर मिनट लगेगा, तो अगर आपने हाफ एन आवर किया तो कुछ $7.5 जितना होगा, जो वहाँ पे जो बाहर बाइक रेंटल की सेम ही है उसका भी। और अगर आपने इलेक्ट्रिक लिया तो वो होगा 35 सेंट्स। आप उसकी वेबसाइट पे जाके आप प्लान्स चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक बार लेना है ठीक है, लेकिन अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं तो अभी निकल रहा हूँ। तो ये तो मुझे दिखा तो मैंने सोचा एक बार देख लेते और चिंता को भी दिखा देते कि क्या होता है ये। तो बेसिकली ये यही है कि यहाँ पे आप लो और उसके दूसरे स्टेशन पे ड्रॉप कर दो। अगर आपको आधे घंटे चला के कहीं पे मिलता है तो यू कैन टेक दी बाइक, राइड इट एंड ड्रॉप इट, और फिर जो भी। और $19 का डे पास है, लेकिन इसमें एक कैच है कि कुछ अनलॉक की फीस भी है जो $1 से $1.5 कुछ अराउंड है, लेकिन अगर आप डे पास लेते हो जो $19 का है तो उसमें कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन तक तो कोई चलाएगा नहीं, तो ये उनका बिजनेस मॉडल है, तो थोड़ा आप ले सकते हो अगर आपको अच्छी है तो, अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको घूमना है थोड़ा पूरा, मतलब क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है, तो चल के तो मतलब आप एक दिन पूरा, अगर आपको सिर्फ चलना है तो एक दिन यही रखो। यहाँ पे देखो ऐसी ट्रेल्स और वो सब भी है, ये सब ट्रेल्स और ये सब भी। तो अगर आपको लेना हो तो बाइक ले लो और पूरा घूम लो, और फिर कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है लेते हुए, और लोग अपनी खुद की बाइक भी लेके आते हैं। तो हाँ, ये एक ऑप्शन है यहाँ पे बाइक का। तो ऐसी सब जो शिप्स है वो यहाँ पे होती रहती है, जो वाटर फ्रंट है आपने बहुत बार सुना होगा वीडियो में, लेकिन मतलब वो एक प्लेस है जहाँ से ये सब शिप्स और ये सब निकलते हैं यहाँ से। तो अगर आपको लेना हो तो वाटरफ्रंट पे एक कस्टमर सर्विस का कियोस्क भी है, वहाँ पे सब टिकट्स मिलती है, तो वहाँ पे जाके शायद ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं कि क्या इसका सीन है। लेकिन ये वाला जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज कनेक्ट करता है नॉर्थ और वेस्ट, ये दोनों वैनकूवर को वो कनेक्ट करता है, ये ब्रिज है। और शायद हम तो दो बार वो ऊपर वाले पहाड़ों पे जाके आए, दो दिन में अलग अलग जगह पे। तो मेरा जो एक पिछला वीडियो है, जो हाइकिंग या वो ट्रैकिंग बोल दो, ट्रैकिंग का जो वीडियो है, वो हम गए थे वहाँ पे, जो लंच रॉक पॉइंट पे गए थे, हम ऐसे ही बादलों के बीच में थे, अराउंड 7:30 बजे थे और ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया, मतलब 7:30 बजे का सनसेट हो गया। तो नीचे उतरते टाइम तो भाई साहब ख़त्म हो गए, मतलब बहुत ही दिक्कत हो रही थी, फ्लैश के सहारे हम नीचे आए थे। दोनों सुंदर है, नॉर्थ और साउथ, लेकिन ये आप देख सकते हो क्या ही सुंदर नज़ारा है इसका ये। और यहाँ पे ये सिटिंग अरेंजमेंट है जो बहुत ही सोच समझ के इन लोग ने बनाई हुआ है, मतलब आप बैठ के यहाँ पे बैठ के एंजॉय करो, व्यू एंजॉय करो बस। क्या सीन है भैया, सही सीन है ये। है वैनकूवर की ब्यूटी, मतलब पूरा पूरा जो पूरा का पूरा वैनकूवर है ना, वही ब्यूटीफुल है।
मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा वैंकूवर ब्यूटीफुल है, अलग है दोनों, ओंटारियो और ये अलग है। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटीज़ बहुत है, मतलब यहाँ का टाउन प्लानिंग शायद गवर्नमेंट ने ऐसे किया है कि जैसे यहाँ पे कट गया भाई, मैं वो जो वहाँ पे वो लकड़े पड़े ना वहाँ से मैं ऊपर चढ़ा, और ऊपर चढ़ना ही और यही रास्ते जाना कट गया भाई। वो लेक है, एक लेक देखने जा रहा हूँ, तो स्टेनली पार्क के लिए एक दिन पूरा रखो, एक दिन एटलीस्ट आधा रखो। गाड़ियाँ तो सर्टेन पॉइंट तक यहाँ पे आ सकती है, कार जो है एक सर्टेन पॉइंट तक जा सकती है, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा फिर नेचर का। ये जैसा देख सकती है पूरा नेचर ही, तो मतलब मज़ा नहीं आएगा ये आपको, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे सही से अगर कार से आए तो। लेकिन अगर आप चल के आते हो तो आप आधा दिन है, क्योंकि थकान भी इतनी होती है। जैसे मैं सुबह 11 बजे से निकला हूँ, और मतलब मैं नॉर्थ साइड गया, अभी यहाँ पे आया हूँ स्टेनली पार्क पास, क्योंकि स्टेनली पार्क का सिग्निफिकेंस है, मतलब एक अलग उसका भी वाइब है, और ये भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो ये अगर यहाँ आए और ये नहीं रहे विज़िट किया तो फिर कोई मतलब नहीं है आने का, कोई मीनिंग नहीं बनता है, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे आ गया। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ वो लेक देखने के लिए, बहुत बड़ा है, इससे भी आ गया ये, इससे भी बड़ा है। लेकिन अभी क्या करें कि सुबह का निकला हूँ, थकान भी लगी है, तो शायद इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये करके फिर घर जाऊँ, फिर देखते हैं क्या करना है आगे। रात को खाने के लिए बाहर निकलेंगे और फिर पता नहीं क्या होगा। कल पूरा सनी डे है, तो कल हमने डिसाइड किया कि कल रात की फ्लाइट है, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं, अभी के लिए नहीं भाई। इतना फ्रेश ऑक्सीजन, इतना फ्रेश ऑक्सीजन, मतलब भाई कभी नहीं मिला होगा भाई। हमने 3 दिन में जितना फ्रेश ऑक्सीजन लिया है ना, कहीं नहीं लिया होगा हमने उतना फ्रेश ऑक्सीजन हमने आज लिया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कार्स यहाँ पे, तो लेक का नाम है बीवर लेक। बीवर लेक जो जगह है वो एकदम से आप समझो कि ऑलमोस्ट सेंटर में है स्टेनली पार्क के, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। और हाँ, एक और बात कि मैप्स बहुत ही काम रखते हैं भाई यहाँ पे। कल भी जब हम गए थे वो लीन सस्पेंशन ब्रिज और उसकी जितनी भी ट्रेल्स है वो करने के लिए, तो मैप्स ने ही हमारी हेल्प करी है। वैसे तो नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, लेकिन कभी कभार नेटवर्क नहीं आता है, आप ऑफलाइन मैप्स भी डाउनलोड करके रख सकते हो, कि वो बहुत हेल्प करता है वो यहाँ पे, कि पूरा जितना भी घूमो सब मैप में घूमो, मैप में बसेस देखो, मैप में ये सब चीज़ें देखो, क्योंकि मैप में क्या आप जूम करो इजीली स्पॉट फाइंड करो कि हाँ ये घूमने की जगह है, और आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। लेकिन हाँ, क्योंकि ऑफशोर जगह पे आपको अगर जाना है ना तो ऐसे ही जाते हो, अगर आपको वो पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन पे ही जाना है तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन इफ़ यू वांट टू गो इन ऑफशोर लोकेशंस, तो फिर आप मैप में देखो कि यहाँ पे क्या है ऐसी चीज़ें घूमने के लिए, ओके, तो आप जा सकते हो। शायद मैं यहाँ पे आ गया हूँ बीवर लेक, जो पूरा सूख गया है, कोई मज़े नहीं है इसके। फाइनली अपने अड्डे पे आ गए, अभी थोड़ी एक दो चीज़ें ली मैंने। चलो भाई ये सबसे अच्छा होता है कि तू ही मिल गई। 30th फ्लोर है अपना, 30th बेल्ट लिया, ये एक बेल्ट लिया जो मुझे चाहिए था, एक ही था मेरे पास, और ये शॉर्ट लिया है, शॉर्ट्स भी मुझे चाहिए था, है नहीं मेरे पास, तो फिर ले ली लिया मैंने, यहाँ से ले लिया भाई। और फाइनली भाई रूम में आ गए, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, ज़्यादा कुछ चीज़ें ले ली, एक बेल्ट लिया है एक, और
एक शॉर्ट्स लिया है मैंने कि चाहिए था वो मुझे, तो वो लिया है। और एक चिंगम लिया और कोम्बुचा लिया है, बस इतनी दो चार चीज़ें ली है। और अभी देखते हैं, अभी वो आ रहा है, फिर खाने चलते हैं, फिर बाहर चलते हैं, या फिर देखते हैं बाहर चलते हैं या फिर यहीं पे मंगा लेते हैं, वो बाद की बात है, वो आए तब की बात है। तब तक थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपके। तो भाई पंगा हो गया था, पंगा मतलब आज सुबह जो मिल्क मैंने लेके रखा था उसका ढक्कन थोड़ा खुला रह गया था, तो ये जो मेरा बैग है उसमें वो सारा लीक हो गया। तो उसमें जितना सामान था वो थोड़ा बहुत चॉकलेट ही हो गया, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर था, गीला हो गया। तो बाद में मैंने ये मेरा जो मैं रखता हूँ साथ में वो रखा मैंने उसके नीचे, तो उसने उसमें सब सोख लिया। और मैंने थोड़े टिश्यू पेपर रख दिए थे, अभी घर जाके इसको धोऊंगा। इसका तो मैंने फेंक दिया क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, अभी गंदा हो गया तो मैंने फेंक दिया उसको वैसे भी। तो ये बहुत ही गंदा, मतलब मैं चल रहा था सुबह और मैंने जैसे ही देखा भाई अंदर से मैं कुछ निकाल रहा था, और जैसे ही देखा तो सब ख़राब हो गया। तो जैसे ही मैंने देखा मैंने पहले सब चीज़ें निकाली, उसको साफ़ करा और फिर इसको रखा मैंने। अभी अच्छा हुआ कुछ डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि अंदर मेरा माइक था, मेरा केबल था यूएसबी केबल, और मेरा क्या था अपना ये चार्जर था। तो ये दो तीन चीज़ें थी, तो थैंकफुली वो ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि ज़्यादा नहीं हुआ था लीक, क्योंकि वो उतना भी लूज़ नहीं था, वो मतलब ऑलमोस्ट बंद ही था। लेकिन हाँ, वो तो पानी जैसा ही होता है, वो तो कहीं से भी रास्ता नहीं लगता। तो चलो ठीक है, बच गया।